अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड बटन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए और जुड़ जाइए द एकेडमी प्लस फैमिली से। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन से वो एग्जाम्स हैं जो क्लास 9th के बाद आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें आपको मिल सकती है बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों बने रहिए एंड तक, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको डेसिमल नंबर गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है आपको पी बाई क्यू फॉर्म में। इसका मतलब है रैशनल फॉर्म में आपको इस वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है 0.39। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको ये वैल्यू को लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेसिमल को ही हटा दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं, उतने ही जीरोस आपको नीचे लिखनी होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 39/100। ठीक है, आपकी यहां पर कितनी है डिजिट, 2 है, तो आपने 2 जीरो नीचे लिख दिए। ठीक है, इट बिकम्स 100। ओके, सो दिस इज योर फाइनल पी बाई क्यू फॉर्म। सो दिस वॉज वेरी इजी। ओके, इस तरीके से आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका दूसरा प्रॉब्लम है वो है 0.750। ओके, तो आपका दूसरा प्रॉब्लम है 0.750। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से इसको हटा देंगे। तो जैसे ही आप इसको हटाते हैं, सो दिस विल बिकम अपॉन 1000। ओके, व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 3/4। ठीक है, मैंने 25 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यू विल गेट 3/4। सो दिस इज योर फाइनल पी बाई क्यू फॉर्म। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीका है। तो सिंपली आपको जो आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट से लेकर 6th पार्ट तक, ठीक है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पर भी आपको डेसिमल नंबर गिवन होगा और इसको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहां पर आपको डेसिमल नंबर गिवन है बार की फॉर्म में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर जब आपको डेसिमल की फॉर्म में गिवन होता है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इस नंबर को कैसे लिखूंगा, 0.4 बार को 0.444, इस तरीके से ये चलता रहेगा आपका और ये नंबर आपका एंड नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कभी नहीं कर सकते। लेट से यहां पर अगर इस डेसिमल को मैं हटाता हूं, ठीक है, और ऊपर है बार आपका, तो बार का मतलब है कि ये जो 4 है, ठीक है, इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, तो सिंपली आपको नीचे भी 0 इन्फाइनाइट तक लिखनी पड़ेगी, तो ये कभी सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इस वैल्यू को x मान लीजिए। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि आप इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.4 4 4। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा मल्टीप्लाई करना। दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, यहां पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर आपका ये वैल्यू हो जाएगा 4.44। ये आपका कंटिन्यू रहेगा इस तरीके से। ठीक है, बस एक डेसिमल आपका चेंज हो गया यहां पर। ठीक है, सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहां पर लिख लें 10x - x, यही तो होगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास हो जाएगा 4.444 - 0.444। ठीक है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आप डॉट डॉट यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9x। ओके, और यहां पर देखिए
कि डेसिमल के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी सेम वैल्यू है, यहां पर भी सेम वैल्यू है दोनों साइड में, तो आपके पास 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 माइनस 0 इज 4, ठीक है, 4.0, दैट मीन्स ये आपका 4 ही है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं 9x इज इक्वल टू 4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 4 बाई 9, ठीक है। दिस इज योर फाइनल पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, ये आपकी पी बाई क्यू फॉर्म में ही तो है, ओके। तो यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे हमने यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो ये हमने क्या सोच के किया है, कैसे किया है और क्यों किया है, क्या रीजन है इसका, ठीक है। तो इसका भी रीजन मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं कि कब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और कब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है डेसिमल के बाद राइट साइड में कि आपका जो डिजिट है वो एक ही है, ठीक है, उसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है, तो आपको देखना है कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। मेरी बात को नोट करना, कितने नंबर्स के ऊपर, कितनी डिजिट्स के ऊपर आपका बार यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहां पर नोट करना है कितनी है डेसिमल के बाद, कितनी है डिजिट, 2 डिजिट, ओके। ये आपका एक शॉर्टकट तरीका है पहचानने का। यहां पर आपका 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, जो आपका फोर्थ पार्ट है, 3 डिजिट्स, ओके। तो जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार हो उतनी ही आपको यहां पर वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। यहां पर 1 है तो सिंपली 10 यूज करना है, 2 डिजिट्स हैं तो आपको 100 यूज करना है, और 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो आपको 1000 यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, सिंपली आप यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब आपका ये वाला केस होगा, बार वाला, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट प्रॉब्लम की, जो कि आपका एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको काफी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप उसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते जो मेथड मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। आप सोचोगे कि सर यहां पर तो 7 के ऊपर बार है, तो एक ही नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर आप फंस जाओगे। आपको सेम मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूं कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपको दो बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन 1 होगी आपकी, ठीक है, इक्वेशन 1 में डेसिमल के बाद वैल्यू, ठीक है, वही रहेगी जो आपकी इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद होगी, ठीक है। मेरी बात आई समझ में आपको, कि डेसिमल के बाद दोनों ही इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम नंबर्स होंगे। लेट्स से यहां पर भी 7 है तो यहां पर भी आपका 7 7 होना चाहिए, ठीक है। आपका इस तरीके से नहीं होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, कि डेसिमल के बाद 7, जैसे 6 7 7 और यहां पर आपका 7 7 है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। आपका वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है। तो जब भी आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, सिंपली आपको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं यहां पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स में, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 100x इज इक्वल टू 47.777... ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो आपने क्या सीखा, मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम क्यों होनी चाहिए, कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो डेसिमल के बाद आपके पास कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं, ठीक है। डेसिमल की वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी। यह था कि डेसिमल के बाद वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए। तो दोनों जगह आप देख सकते हैं कि यहां पर भी वैल्यू आपका डेसिमल के बाद 777 है, ठीक है। यहां पर भी आपका 77 ये आपका चल रहा है, ठीक है। तो
ये करने का हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है वो तो आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है, आपके पास डेसिमल के बाद वैल्यू कोई बचेगी नहीं, ठीक है। तो सिंपली आप 47 में से 4 माइनस कर दोगे, जैसे हम यहाँ पर 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 90x इज इक्वल टू 43। 47 में से आपने 4 माइनस कर दिया और 100 में से आपने 10 माइनस कर दिया, तो 90x इज इक्वल टू 43। अगर यहाँ पर पॉइंट समथिंग कुछ होता तो आपका वैल्यू फिर से डेसिमल में आ जाता, ठीक है, तो आपका जो पर्पस है वो तो सॉल्व नहीं होता। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली रैशनल की फॉर्म में लाने के लिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। ये एक तरीका है, ये एक सिंपल मेथड है, बस आपको ये जो अप्रोच है ये आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे अगर इस टाइप का कोई आपके पास प्रॉब्लम आ जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, ठीक है, 6th पार्ट है आपका 4.7 बार, ठीक है, इसका आपको P/Q फॉर्म निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि क्या ये इस मेथड से सॉल्व होगा जो अभी मैंने आपको बताया है, या फिर इससे पहले जो मेथड यूज की है उससे सॉल्व होगा। तो आप जल्दी से अप्लाई कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा, और फटाफट से इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको इस एग्जाम के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ NTSC एग्जाम की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसको बेसिकली कंडक्ट करता है NCERT, हर साल इसको कंडक्ट करता है, ठीक है, और कम से कम 12 लाख कैंडिडेट हर साल इसमें अपीयर होते हैं, ठीक है। एंड यस, अगर आप क्लास 9th के बाद कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ये एग्जाम सिर्फ आपके लिए है, NTSC एग्जाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं कुछ स्टेजेस होते हैं वो आपको क्वालिफाई करनी होती है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा NTSC एग्जाम के बारे में। तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ को लेकर आप सीरियस हो जाइए, आपके फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको 9th के बाद क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम आपको क्रैक करने हैं। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो आज के ब्रह्मास्त्र में हम देखेंगे कि किस तरीके से 11 के साथ अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसको आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के ब्रह्मास्त्र में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप 11 के साथ अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उसको आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप देखकर ही उसका आंसर बता सकते हो। सबसे पहले आपको उस नंबर को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, आप यहाँ पर उस नंबर को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप अपने दिमाग में भी इस नंबर को रखकर सोच सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे ये वाली प्रॉब्लम है इसको आप अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, ये वाला जो नंबर है राइट साइड में, इसको एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। 1 है तो 1 आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, फिर आप इस तरीके से इसमें ऐड करते रहिए, ठीक है, जो इसके बगल में नंबर बैठा है 1 के, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उसको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 = 3, ठीक है। इन द सेम मैनर 2 के जो बगल में बैठा है उसको भी 2 से ऐड कर दीजिए, ठीक है, 1 + 2 = 3, ओके। अब यहां पर आपका 1 बचता है तो 1 को आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका सिंपल मेथड है जिससे आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 142, ओके। अब आप इसको अपने दिमाग में सॉल्व कीजिए, ठीक है, दिमाग में सॉल्व कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो नंबर है लेफ्ट साइड में उसमें आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये 6 हो गया, ओके। फिर 4 + 1 = 5 और 1 को आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1562। तो आपने देखा किस तरीके से चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर 11 से कोई भी नंबर आपका मल्टीप्लाई करना है।
तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।